बुधवार को सेगांव कृषि उपज मंडी समिति के लाइसेंसधारी व्यापारियों ने तहसील कार्यालय पहुंचकर जिला कलेक्टर के नाम ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन के माध्यम से व्यापारियों ने बताया कि हम कृषि उपज मंडी सेगांव के लाइसेंसधारी व्यापारी हैं और शासन का पूरा टैक्स वहन कर अनाज और कपास का व्यापार करते हैं। हम प्रतिदिन खरगोन की बैंकों से किसानों की फसलों को खरीदने के लिए राशि लाते हैं, लेकिन विधानसभा चुनाव 2023 के आचार संहिता लागू होने के कारण जगह जगह चेक पोस्ट लगा दिए गए हैं, जिसमें चेकिंग के दौरान राशि मिलने पर जब्त कर ली जाती है, जो कि गलत है। इसलिए हम व्यापारियों को बैंक से नकदी राशि लाने की अनुमति प्रदान की जाए। अगर हमें अनुमति नहीं मिलती है तो व्यापार करने में असमर्थ रहेंगे और किसानों की फसलें नहीं खरीद सकेंगे, जिसकी जिम्मेदारी शासन की रहेगी। सेगांव से संजय जायसवाल की रिपोर्ट। आज व्यापारियों द्वारा किस बात को लेकर यहां ज्ञापन दिया गया? आज हमने श्रीमान कलेक्टर महोदय को इसलिए आवेदन दिया कि हमारा व्यापार अनाज का व्यापार है, जिसके लिए पेमेंट जरूरत पड़ती है किसानों को देने के लेन देन के लिए, जिसके लिए पेमेंट हम खरगोन से लेके आते हैं और वहाँ पे अधिकतर जगह यहाँ से वहाँ तक चेकिंग चल रही है, जिससे हमें बहुत परेशानी होती है। नहीं तो खरगोन पेमेंट लेने क्यों जाते हो? क्योंकि यहाँ पे इतनी सुविधा नहीं बैंक में कि पेमेंट दे सके। तो क्या परेशानी आती है आपको? परेशानी आती है कि अभी आचार संहिता चल रही है, जिसके कारण चेकिंग यहाँ से वहाँ तक हो रही। जैसे परसों की बात बताऊँ मैं आपको, 17,40,000 लेके खरगोन से आ रहे थे, जिसके कारण पूरे कागज दिखाने के बाद भी उन्होंने पकड़ के उनको बुलाया इनकम टैक्स वालों को। आप इसमें क्या चाहते हो? हम इसमें यह चाहते हैं कि कहीं भी हमको सुविधा मिले। क्या नाम लिखते हो? मैं लिखता हूँ नारायण अग्रवाल। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।